राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सब प्रथम आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की अनंत लख लख बधाइयाँ। इसको देव दिवाली के नाम से भी हम लोग संबोधित करते हैं, त्रिपुरारी पूर्णिमा भी इसको बोलते हैं। और देव उत्थान के बाद जब विष्णु भगवान योग निद्रा से जग जाते हैं तो सबसे पहली जो पूर्णमासी होती है उसको हम कार्तिक पूर्णमासी बोलते हैं, जो कि इस बार देखिए, वैसे तो अगर हम ज्योतिष विद्या के अनुसार देखें, पंचांग के अनुसार देखें, तो 8 नवंबर को पड़ रही है उदया तिथि के अनुसार। लेकिन 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले लग जाता है, तो इस दिन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे एक दिन पहले अर्थात 7 नवंबर को हम देव दिवाली बनाएंगे, कार्तिक पूर्णिमा बनाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत, पूजा, अर्चना, वंदना हम लोग सब 7 नवंबर को करने वाले हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको ये 7 कार्य अवश्य करने चाहिए। और कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो ये 7 कार्य कर लेता है उनको 7 जन्म में पुनरपि जन्म पुनरपि मन्नम, अर्थात बार बार जन्म लेने की, बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया होती है वो खत्म हो जाती है, उनको ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है और साथ ही के साथ उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अति मास कार्तिक शुरू है और कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वैसे तो ये 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णमासी होगी, लेकिन इस दिन आप लोगों को पता है ग्रहण है, तो 7 तारीख को बनाई जाएगी। इस दिन को देव दिवाली भी कहा जाता है क्योंकि देव उत्थान एकादशी पर देव उठ जाते हैं और तब उसके बाद वो पूर्णमासी के दिन गंगा तट पर दिवाली बनाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। तो 7 महत्वपूर्ण कार्य जो लोग कार्तिक पूर्णमासी पे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नंबर 1, नदी स्नान और दान। कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए पूर्णमासी के दिन स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। इस दिन दान करना 10 यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अपनी क्षमता के अनुसार आप अन्य वस्त्र, दान वस्त्र, जो भी चीज हो आप दान कर सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप नदी स्नान नहीं कर पा रहे हो तो आप घर पर ही गंगा जल, यमुना जल या फिर सप्त नदियों में से कुछ भी डाल के स्नान कर सकते हो। अगर सप्त नदियों का जल ना मिले तो आप तुलसी पत्थर डाल के स्नान कर सकते हो, अगर वो भी ना मिले तो फिर आप आंवले का रस डाल के स्नान कर सकते हो, नहीं तो आप हल्दी भी डाल के स्नान कर सकते हो। चलिए दूसरा और बहुत जरूरी कार्य मैं बता देती हूँ। दूसरा कार्य है तुलसी पूजनम और 6 तपस्विनी कीर्तिकाओं का पूजन। इस दिन विष्णु भगवान के रूप में मत्स्य अवतार श्री कृष्ण, देवी लक्ष्मी, तुलसी और शालिग्राम पूजा के साथ साथ चंद्र उदय के समय 6 कीर्तिकाओं का भी पूजन करने का विधान है। अतः इनका धूप, नवेद, दीप द्वारा विधिवत पूजन करने से शौर्य, बल आदि की प्राप्ति होती है, साथ ही के साथ धन्य धान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए तीसरा और आवश्यक कार्य बता देती हूँ, दीप दान। मान्यताओं के अनुसार देव दिवाली के दिन सभी देवता गंगा नदी के तट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रशंसा को दर्शाते हैं और इसलिए दीप दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन आप लोग भी 14 दीप दान अवश्य करें, अपने घर के मुख्य द्वार पे, तुलसी पर, और आप लोग छत पे आकाश दीप दान कर सकते हो, आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, कम से कम 14 दीप तो आप लोगों को अवश्य और अवश्य जलाने हैं। चौथा और इम्पोर्टेंट कार्य है पूर्णमासी का व्रत। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। अगर आप पूर्णमासी का व्रत नहीं करते हैं तो तब भी आपको पूर्णमासी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। नंबर 5वां और जरूरी कार्य है शिव पूजा। देखिए शिव के त्रिपुरारी स्वरूप की पूजा होती है इस दिन। इस दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध,
शहद गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और साथ ही के साथ ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान शिव मंदिर में जाकर अगर आप पूर्णमासी वाले दिन दीप दान करते हो तो पुनः जन्म का कष्ट आपको नहीं भोगना पड़ता। नंबर 6 और बहुत आवश्यक नियम वो है सत्य नारायण की कथा। बड़े सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी सत्य नारायण की कथा कब करनी चाहिए या फिर सत्य नारायण की कथा कब करा सकते हैं। तो पूर्णमासी वाले दिन आप लोग सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं। इस दिन खासकर देवी लक्ष्मी विष्णु भगवान की संध्या काल में पूजा की जाती है और सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने और सुनने से बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। 7वां और बहुत जरूरी कार्य है वो है दीपों से घर को आपको सजाना है। कार्तिक पूर्णमासी को घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण अवश्य बनाए। दीपावली की तरह ही चारों तरफ दीप आपको प्रज्वलित करने हैं और दीपक अवश्य और अवश्य जलाने हैं। कहते हैं कि इस कार्तिक के अलावा त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन दीपदान विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। इस दिन देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन पुष्कर में मेला लगता है। इसी दिन गुरु नानक जयंती भी होती है। कार्तिक पूर्णमासी में किया गया दान अक्षय फल की प्राप्ति होता है। इस दिन अपनी बहन भांजे बुआ के बेटे ब्राह्मण को दान स्वरूप कुछ ना कुछ अवश्य दे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरी बोल। आप सभी को पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरी बोल।